बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तानी जायके के नाज़रीन सामीन को हमारी तरफ से प्यार भरा मोहतमाना अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक बड़ी आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। आज आपको बताएंगे कि चिकन पकौड़ा हम कैसे बनाएंगे। आज की रेसिपी का नाम है चिकन पकौड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि चिकन पकौड़ा बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरीके से मैं तैयार करूँगा। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें और शुरू करते हैं और बनाते हैं चिकन पकौड़ा। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि आपको ये चिकन नज़र आ रहा है, ये इस साइज़ की बोटी है, बोनलेस चिकन है। इस साइज़ की ये बोटी मैंने करवाई है, ठीक है जी। इसका वज़न है 1 किलो। अब हम सबसे पहले इसको करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई ली है और उसमें मैंने ऑयल डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सारा चिकन जाएगा ऑयल में इस तरीके से। और अब हम इस चिकन को फ्राई करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। तो चलें इसको फ्राई करते हैं जी। फ्लेम ऑन हो चुका है और कढ़ाई हमारी फ्लेम पे है। अब आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो माशाल्लाह से हीट अप हो रहा है। तो 10 से 12 मिनट हम जो है इसको दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। जितनी देर में आप चिकन हमारा फ्राई होता है उतनी देर में हम पकोड़े का मसाला तैयार करते हैं। चलिए जी व्यूअर्स, अब मैं आपको पकोड़ा मसाला बनाने की बाकी तरकीब बताता हूँ, ठीक है। अब हमने एक ट्रे लिया है, ये मेरे पास 250 ग्राम दही है 1 पाव। ये सबसे पहले मैं ट्रे में इस तरीके से ये दही डालूँगा। दही डाल दिया। अब इसके बाद मैंने बाज़ार से पैकेट वाला पकौड़ा मिक्स मसाला लिया है, 1 पैकेट पूरा इसमें मैं ऐड करूँगा। ये मैंने पैकेट से निकाल के बाउल में डाल दिया था, ये पूरा इसमें ऐड करूँगा इस तरीके से। ये पकौड़ा मिक्स मसाला अच्छे ब्रांड का आपको मिल जाएगा किसी भी स्टोर से, अच्छी क्वालिटी का आप लीजिएगा। ये 1 पैकेट पूरा इसमें जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने मसाले को दही के अंदर मिक्सअप कर देना। मसाले को दही में मैंने अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। यहाँ एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि अगर आपको पकौड़ा मिक्स मसाला नज़दीक से कहीं से नहीं मिलता तो आपने बेसन जो होता है, ठीक है, 1 किलो बेसन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने 2 चम्मच नमक के लेने हैं, 2 चम्मच सूख मिर्च के लेने हैं, 1 चम्मच मेथी पाउडर लेना है या मेथी जो दूसरी होती है उसको भी आप पीस सकते हैं, ठीक है। और धनिया पाउडर आपने 2 चम्मच लेने हैं, सफ़ेद ज़ीरा जो है वो आपने 2 टीस्पून लेना है, और अनारदाना आपने 1 टेबलस्पून के लगभग पीस के रख लेना है, ठीक है। तो ये पकौड़ा मिक्स मसाला बन जाएगा आपका घर पे भी, और इसके साथ आप हल्दी का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो ये चूँकि मसाला हमारा दही में मिक्सअप हो चुका है, अब मैंने इसमें ऐड करना है हरी मिर्च। हरी मिर्च 8 से 10 अदद मैंने इस तरीके से काट के रख ली थी। तो अब ये हरी मिर्च जाएगी इस मसाले में। हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसमें जाएगा धनिया, हरा धनिया, हरा पुदीना, थोड़ी थोड़ी मिकदार में मैंने रख लिया था इस तरीके से बारीक बारीक काट के, ठीक है। अब ये सारा इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, ये ऐड हो चुका है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है, तो मैं इसको मिक्सअप कर लूँ उसके बाद फिर अगला स्टेप आपको बताता हूँ। मसाले मिक्सअप करने के बाद अब इसमें मैं डालने लगा हूँ 6 अदद अंडे। ये देखिए, ये अंडा है मेरे पास, ये 6 अंडे हैं, ठीक है। अब मैं इनको तोड़ के तो इस मसाले में ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। अब मैं 6 एग इसमें ऐड कर लूँ, फिर अगला स्टेप आपको बताता हूँ। 6 अदद अंडे ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ बेसन। बेसन की जो वज़न है वो है 1/2 किलो 500 ग्राम। तो इस सारे मटेरियल में अब हम ऊपर से इस तरह बेसन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देखिए, बेसन ऐड कर दिया। अब दोबारा से हमने अच्छे से इसको मिक्सअप करना है, ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्सअप करना है बेसन को भी। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको मैं और बता दूँ कि बेसन जो है वो दही और अंडों में ही हमने मिक्सअप करना है, इसमें हमने पानी नहीं ऐड करना, ठीक है जी। तो ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बेसन सारा इसी में अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा, पानी डालने की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये आप देख सकते हैं 1/2 केजी बेसन, और ये अच्छे से इसमें घुल चुका है, मसाले में मिक्सअप हो चुका है।
मसाला आपने ये बेसन वाला अच्छे से मिक्सअप करना है कि ये इसमें दाना ना बने बेसन का कोई भी। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है और इसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे साइड पे। चिकन हमारा फ्राई तकरीबन हो चुका होगा, 10 से 12 मिनट उसको भी हो चुके हैं, तो अब हम चिकन को फ्लेम से उतारते हैं। अच्छा जी, चिकन हमारा फ्राई हो के तैयार हो चुका है, ये आप देखिए माशाल्लाह से। इसको मैंने फ्राई करने के बाद कढ़ाई से निकाल के 5 मिनट के लिए रख लिया था ताकि इसकी हीट निकल जाए, ये ज़रा सा ठंडा हो जाए। अब हमने ये ठंडा किया हुआ चिकन जो है अब अपने अमेज़े में शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से, ठीक है। और अब इसको चम्मच के साथ हम मिक्सअप कर देंगे। आज आपको मैं एक रेसिपी के साथ दो किस्म के पकोड़े बनाना बताऊंगा। शुरू में आपको हमने चिकन पकोड़े का मसाला तैयार करने के बारे में बताया था, लेकिन हम इसी मसाले के साथ चिकन पकोड़ा तो तैयार कर ही रहे, लेकिन इसके साथ हम दूसरा भी एक और पकोड़ा तैयार करेंगे इसी मसाले के साथ। लेकिन पहले चिकन पकोड़ा आपको तैयार करके दिखाएं, तो उसके बाद अगला स्टेप आपको बताएंगे कि दूसरा पकोड़ा हम कौन सा तैयार कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, अब हमने पैन को, कढ़ाई को चूल्हे पे दोबारा रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है और फ्लेम तकरीबन हमारा मीडियम है, ऑयल हमारा हल्का सा हीट अप हो चुका है। अब हमने ये देखिए, ये हमारे मेरे पास चम्मच है, इस तरीके से हमने एक पीस इसमें आना चाहिए चम्मच में, ठीक है, साथ में बेसन ये छोटा सा इस तरीके से, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, ये इस तरीके से मैं डाल दूंगा कढ़ाई में, ठीक है। इस तरीके से एक एक पीस होना चाहिए, ठीक है, ये इस तरीके से ये मैं ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। अब मैं ये सारे पीसेस इस तरीके से ऐड करके फिर आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने पकोड़े जो हैं वो कढ़ाई में डाल दिए हैं, आंच को हमने दरमियाना रखा हुआ है। अब ये तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है, तो चलिए 2 से 3 मिनट मैंने इनको एक साइड से फ्राई किया है। अब मैं इनको पलट रहा हूँ ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाएं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ख़ास करके जब इंसान रोज़ा रख के कोई काम करता है कुकिंग का, तो खुशबूएं कुछ ज़्यादा ही उसको अट्रैक्ट करती हैं। वैसे भी माशाल्लाह से ये पकौड़ा जो है बहुत ही लजीज है, इसकी रेसिपी जो है वो आप मुकम्मल फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो बस ये पकौड़ा फ्राई होने में 2 से 2.5 मिनट और इसको फ्राई करेंगे, फिर इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से चिकन पकौड़ा बन के रेडी हो चुका है, पहली रेसिपी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पकौड़ा लेता हूँ, गर्म है इस साइड से, और इसको मैं ज़रा सा तोड़ के भी आपको दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त अंदर तक ये पक चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यकीन करें रोज़े की हालत में बहुत खुशबू आ रही है इसकी, और दिल कर रहा है इसको भी, लेकिन रोज़ा है तो अपने टाइम पे इंशाल्लाह अफ्तार करेंगे, बस कुछ ही टाइम रह गया है। तो पहली रेसिपी चिकन पकौड़े की कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद है कि आपको चिकन पकौड़े की ये रेसिपी हमारी तरफ से पसंद आएगी। अच्छा जी, अब हम आपको दूसरी रेसिपी इसी मसाले के साथ, ये जो बाकी मसाला मेरे पास बच गया था इसमें अब मैं ऐड करूँगा 250 ग्राम प्याज। प्याज को मैंने इस तरह से गोल गोल इसके लच्छे से बनाए, ये स्लाइस किया है मैंने, ठीक है। ये 250 ग्राम एक पाव प्याज है। अब ये सारा प्याज मैं इस मसाले में ऐड करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से चम्मच से मिक्सअप कर देंगे कि प्याज पे ये बेसन की कोटिंग हो जाए। तो ये मैं कोटिंग करके तो अब इसके पकौड़े बनाऊँगा। अब ये हमारे पकौड़े बनेंगे प्याज वाले पकौड़े, ओनियन पकौड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, प्याज को भी हमने अच्छे से मिक्सअप कर लिया है, इसके रिंग्स जो हैं वो खुल गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये रिंग्स खुल चुके हैं, हमने इनको खोलना ही था, ठीक है। तो ये खुल चुके हैं रिंग्स और अच्छे से मसाले में ये हो चुके हैं मिक्स, ठीक है। अब हम चलते हैं और इनको करते हैं फ्राई, और ये भी आपको फ्राई करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरीके से लेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ऐसे पैन में डाल देंगे इनको, फिर इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लेंगे और इस तरीके से इनको पैन में डाल देंगे। अब मैं ये सारे पैन में डाल लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ।
जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारे ऑनियन पकौड़ा भी बन के रेडी हो के आ गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बने हैं। ये देखिए आप इनकी खूबसूरती देखिए, माशाल्लाह रिंग्स की, और क्या शानदार इनकी लुक आई है ये देखिए माशाल्लाह से। और खाने में भी इंतहाई लज़त वाले हैं और क्रिस्पी हैं माशाल्लाह से। तो उम्मीद करता हूँ कि चिकन पकौड़ा और ऑनियन पकौड़ा दोनों की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी 100% रिजल्ट देगी और आप इससे भरपूर लुत्फ़ उठाएंगे। तो आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अब दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।